लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जीतू पटवारी सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान कांग्रेस सरकार के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा हुई। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गयी। तब्दीली आगे की जाएगी, इस बात का जिक्र किया है। तो इन बातों को लेकर हमको जनता के बीच में पहुंचना है। अब बात यात्री के सामने वाली पार्टी क्या कर रही है, क्या वो बताएगी कि शिक्षा के क्षेत्र में उसने क्या किया, रोजगार के क्षेत्र में क्या किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया। अगर हमने घोषणा पत्र में जीडीपी का 6% बजटरी प्रोविजन करने की बात कही है, स्वास्थ्य के मामले में जीडीपी का 2% बजटरी प्रोविजन बात करने की बात कही है, तो ये अपने आप में हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है।